पंजाब के श्री देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर नमस्कार। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर के ऊपर बने हुए हैं, जहां काफी संख्या में जो महिलाओं को समर्थन देने के लिए जुलाना की महिलाएं इस वक्त यहां पर बनी हुई हैं। काफी संख्या में जो महिलाएं हैं यहां आज आई हैं टिकरी बॉर्डर के ऊपर, जो पहले से किसान दो महीने से यहां बैठा था, अब उनको समर्थन देने के लिए जुलाना की महिलाएं भी अपना चूल्हा चौका छोड़ के अपना सारा काम निपटा के यहां बॉर्डर पर आम बैठी हैं। ये देखिए काफी संख्या में जो महिलाएं हैं यहां पर बैठी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार जो है किसानों की बातें मान नहीं लेती, ये लोग जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बुजुर्ग हैं, यहीं पर बैठी रहेंगी। और काफी संख्या में आज ये यहां पर टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। आइए कुछ महिलाएं इस वक्त हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं आखिर इन महिलाओं का क्या कहना है, क्या कहेंगी, क्या नाम आपका, कहां से आप? हम जुलाना से आए हैं। क्या कहेंगे आप? हम न्यू कहेंगे अपना हक लेवांगे, हम तो अपना हक लड़ांगे, अपना लेके उठांगे। किसान दो महीने से यहाँ पर बैठे हैं, बैठे हैं यहाँ पर, अरी हम उठ देनी है सारा अड़ाई बैठांगे। तो घर का काम किस तरह चला? घर का आप चाली जाओगा, घर का आप चली जाओगा, हम जाता कर का खेत का काम भी है आपका? सब कम कर संभालेंगे, आराड़ा भी बैठांगे। तो यहीं रहोगे? यहीं रहवांगे। ये तो क्या काफी संख्या में जो महिलाओं में जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर कहना है किसानों के साथ ये यहीं बनी रहेंगे। एक और महिला इस वक्त हमारे साथ, हम बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? पिछले दो महीने से किसान यहाँ पर बैठा, सरकार की अभी तक जो बातें हो रही है वो फेल होती जा रही है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता नहीं फेल नहीं होगा, आंदोलन फेल नहीं होगा? जो कल 2 तारीख की भी एक सरकार के साथ जो है किसानों की मीटिंग है, हाँ जी, तो उसमें अगर हमारे पक्ष में फैसला आया तो हम वापस चले जाएंगे, अदरवाइज हम यहीं बैठे रहेंगे। क्या कहेंगे सिंधु बॉर्डर पर सरकार द्वारा जो है जो पानी रोक दिया था? अगर हम दिल्ली का पानी रोक देगा हरियाणा तो क्या होगा, बताइए आप? हम पानी रोक देंगे, हमें जो सुविधा है हम बंद कर देंगे, और तब तक तीनों हमारे कानून वापस नहीं होंगे तो हम वापस नहीं जाएंगे, बिल्कुल यही। इन महिला का साफ तौर पर कहना है, जो कल सिंधु बॉर्डर के पर कुछ पानी के जो टैंकर थे वो किसानों के लिए जा रहे थे, पुलिस ने उनको रास्ते में रोक दिया था, महिला फिलहाल गर्म दिखाई दे रही है, इनका साफ तौर पर कहना है वो पानी उन्होंने रोक दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो सकता है कि हरियाणा भी दिल्ली का पानी रोक देगा तो क्या होगा? आइए एक और महिला बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे आप? जुलाना से चल के जी दो से लोग आ रहे हैं जुलाना गांव से, दो से है मेरे से, अच्छा, और हम यहाँ बैठाएंगे, इतने हमारे तीनों कानून नहीं मिल सकते, इतने हम जा नहीं सकते, तीनों लेकर चलेंगे हम, ये तीनों के तीनों, और जितने भाई से इतने हमारे घर की खेती भी सामांगे हम जाकर, और अपने बच्चों ने भी सामांगे, उड़े भी आवेंगे, हैं सारा अपना तीनों कानून मारे खड़े से वापिस नहीं होंगे तो इतना हम जा नहीं सकते। आइए एक और महिला इस वक्त हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आपको? दो जी सर, हमारे जो 2.5 महीने से बुजुर्ग बच्चे हमारे पति यहाँ बैठे हुए हैं, सारा काम छोड़ के इतनी दुर्गति कर रखी है इस सरकार ने हमारी, बस पूछो ना, हम यहाँ से तीनों कानून काले कानूनों को वापस लेकर ही जाएंगे, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करती सरकार, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। तो देखिए जुलाना से महिला, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती ये यहीं पर बने रहेंगी। एक और व्यक्ति इस वक्त युवा जो है किसान हमारे साथ है, क्या कहेंगे? महिला भी आपकी बार काफ़ी संख्या में यहाँ पर आपके साथ पहुँचे। ये हमारी चाची ताई माताएँ हैं, पिछले 2 महीने से लगभग समय हो चुका है, 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है जी, हम इन 3 काले कानूनों के खिलाफ यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं जी। 26 तारीख की परेड के बाद सरकार ने बिजली काट दी, पानी की सप्लाई बंद कर दी, सफाई कर्मचारी हटा दिए। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये किसान इतना कमज़ोर नहीं है जिसको उन्होंने कमज़ोर समझ लिया है, यह किसान जिस धरती का सीना चीर के सारे देश को अन्न खिलाता है वो कमज़ोर नहीं है, वो यहाँ से डिगेगा नहीं। जो सरकार नतकंडे अपनाए हैं कि ये काले कानूनों के लिए वापसी के लिए जो हम यहाँ बैठे हैं, हमें जो फूट डालने का कार्य किया है, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होगा, उनसे हरियाणा जाग चुका है। दोगुनी ताकत से हरियाणा और पंजाब और पूरा भारत, पूरे भारत का किसान दोगुनी ताकत के साथ यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर वापसी कर चुका है। और मैं मोदी जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब बाबा टिकैत जी ने आंदोलन किया था उस टाइम पे, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे, वो किसानों की बात सुनने के लिए अपनी रैली को रद्द करके वहाँ पे टिकैत जी के आंदोलन में आए थे और उनकी बात माननी की थी। क्या हम कोई चोर हैं, डकैत हैं? हम कोई मोदी जी झोला छाप नहीं है जो अपना झोला उठा के यहाँ चले जाएंगे। और जो हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ जो अमानवीय व्यवहार योगी सरकार ने किया है वह बिल्कुल भी सहनीय नहीं होगा। मोदी सरकार ये सोचती है कि ये इस आंदोलन को कमज़ोर कर दिया जाए, पर हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम दुगनी ताकत के साथ अपना हक लेके जाएंगे, चाहे हम यहाँ पे हमें मरना पड़ जाए, चाहे हमारा खून बहाया जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना हक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी सरकार जब तक वापस नहीं जाएंगे। मातृशक्ति भी आज काफ़ी संख्या में आपके साथ समर्थन के लिए आई है, तो क्या कहेंगे सर? मैं इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, हम इनके बालक हैं, बेटे हैं, भाई हैं, दो दो महीने घर जाए हो गए भाई साहब,
तो ये मिलने के लिए आए हैं। अब ये कह रहे हैं इन्होंने ये प्लान बना लिया कि अब यहीं बैठेंगे हमारे साथ, सरकार का डट के मुकाबला करेंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे। तो देखिए जुलाना के जो युवक हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाएं अब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर बैठी हैं। एक और किसान इस वक्त हमारे साथ बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे आप? काफ़ी संख्या में महिलाएं आपकी बार आपके साथ यहाँ पर बैठी हैं। महिला शक्ति ने जो आपकी बार प्रदर्शन में ताकत दिखाई है ना, ये डकैत साहब के साथ व्यवहार गलत होने के कारण पूरा हरियाणा पंजाब अकेला नहीं पूरे इंडिया का आंदोलन है ये। और तीनों इतने काले कानून वापस नहीं करेंगे मोदी साहब, इतने कोई डिगने वाला नहीं है। जो इन्हें ताकत दिखानी थी वो अपनी दिखा ली, अब तो ये ही है हाथ जोड़ के इन किसानों से माफ़ी मांगे और इनके तीनों काले कानून वापस करे और इनको घर जाने का रास्ता दे। एक और जुलाना का युवा किसान इस वक्त हमारे साथ हम बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे आप? सर ऐसा है मोदी सरकार हमने तो दो महीने से यहाँ बैठे हैं, लगभग ज़्यादा ही हो लिया होगा कुछ ना कुछ टाइम, और ये मेरी मातृशक्ति जो आज आई है हमें संभालने के लिए आई है, ये हमें यही बोल रही है बेटा घर नहीं आना जब तक गवर्नमेंट ये काले कानून वापस नहीं लेती, मर जाना घर पर मुंह मत दिखाना बस। इसलिए हमें थोड़ी सा दर्शन देने के लिए आए थे और आज हमारा उत्साह इतना बहुत ज़्यादा है हम आपको बता नहीं सकते, ठीक है ना। जब तक गवर्नमेंट ये काले कानून वापस नहीं लेती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। खेतों का काम भी ये महिलाएं हैं हमारी, जितनी मेरी माताएं बहनें हैं खेतों में भी खाद का पानी का जो सिस्टम है सारा यही चला रही है। हम तो दो महीने से यहाँ बैठे हैं, घर तक अभी तक गए नहीं है। तो यही बात है भाई, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम तो घर जा नहीं सकते, क्योंकि घर जाएंगे तो मेरी माताएं लठ मारेंगे भाई, सीधी कहने की बात यह है। तो हम तो सिर पे कफन बांध के बैठे हैं, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे, कहने की बात ये बस। तो देखिए काफ़ी संख्या में जो युवा इस वक्त हमारे साथ बने हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कानून जो है तीनों वापस नहीं होंगे ये घर नहीं जाएंगे। एक और किसान इस वक्त जुलाना से ही और हमारे साथ बने हुए हैं, कि क्या कहेंगे? हम तो ये कहते हैं तीन काले कानून रद्द करो, मोदी खट्टर योगी और ये तीनों के तो इनकी शादी करा दे कि तो यूपी बिहार में, अरे इन तीन काले कानून ये रद्द करो। हाँ नहीं मारा छोरे बतेरे हैं इनकी नहीं होती हो तो हमारे पास। तो देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक किसानों की जो मांग है वो पूरी नहीं होती ये लोग इसी तरह यहाँ पर बनी रहेंगे। ये देखिए काफ़ी संख्या में जो है जुलाना से जो महिलाएं हैं यहाँ पर डटी हुई हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो तीन कानून है वो रद्द नहीं हो जाती ये महिला इसी तरह यहाँ पर बनी रहेगी। और इन्होंने अपने जो लड़के हैं उनको साफ तौर पर बोल दिया कि घर का हम देखेंगे, आप सरकार इसके साथ जो तील कहने कानून की जो लड़ाई है वो लड़िए। और काफ़ी संख्या में इस वक्त टिकरी बॉर्डर के ऊपर जो है महिलाएं यहां पर बनी हुई है। हम आपको एक बार फिर दिखाएंगे पंजाब केसरी टीवी के ऊपर हम आपको लाइव तस्वीरें हैं, हम जुलाना से जो महिला टिकरी बॉर्डर पर पहुंची हैं उनका शॉट हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि अब की बार आर पार की लड़ाई ये लोग लड़ने के लिए आए हैं और जब तक कानून वापस नहीं होंगी ये महिलाएं बॉर्डर के ऊपर इसी तरह बनी रहेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए टिकरी बॉर्डर के ऊपर से विजेंद्र सिंह।